नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 जुलाई 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपके मन में एक सवाल था कि सी टेट जुलाई 2022 के लिए कब से शुरू होंगे आवेदन और यूपी टेट 2022 के लिए कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। अगर दोस्तों आप सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो भैया कुछ आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आने वाली है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट नोटिस आई थी सी टेट दिसंबर 2021 रिजल्ट को लेकर है, उसके बाद तक अभी तक कोई नई नोटिस नहीं आई कि भैया 2022 कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। तो गाइस याद रखिए, जुलाई में पेपर होने चाहिए थे लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहे, तो इनकी भी एक बड़ी लापरवाही कहेंगे सीबीएसई की। उसके बाद कोरोना के केसेस की बात करें, 14,000 से ज़्यादा मामले 24 घंटे में, 26 लोगों की जान गई। हर एक अपडेट आप तक होनी चाहिए ताकि दोस्तों हर एक दिन की आपको खबर पता चले कि भैया किस दिन कौन सा बवाल हो रहा है। ठीक है, कैसे बनेगी मेरिट, पूरी अपडेट देखेंगे, क्या होगी चयन प्रक्रिया, सब कुछ देखेंगे। सेफ जोन क्या होगा 2022 में, तो जरा दोस्त इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो भैया 75 प्लस से नीचे नौकरी लगना मुश्किल। ओबीसी कैटेगरी जनरल में कोई अंतर ज़्यादा नहीं होता तो यहाँ पर भी 75 प्लस। एससी कैटेगरी में दोस्त ये 65 प्लस जा सकता है और एसटी में दोस्त फिर से वही बात आ जाएगी, पास कर लीजिए नौकरी ले जाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती में यही देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद कैसे बनता है गुणांक, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या शिक्षक भर्ती नियमों में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। ठीक है, देखिए बदलाव की बात क्यों हो रही है ना, जब से ये दोस्तों अग्निवीर योजना आई उसके बाद से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि यार कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है, कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं और कितने पदों पर आ सकती है वैकेंसी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट पासिंग मार्क कितना होता है ये बात भी आपको बताएंगे। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक है इन्फॉर्मेशन वाली है, तो अंत तक देखना है आपको, कोई भी डाउट आपके मन में आज रहेगा नहीं। ठीक है, एक बात और आपको बताएंगे कि भैया पहली बार में नौकरी कैसे लेना है, क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए। नहीं तो देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहली बार में टेट क्लियर नहीं होता, सुपर टेट तो भैया बात ही छोड़ दीजिए। तो जरा इसको समझ लीजिए कि क्या शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव होगा। तो फिलहाल आंसर आपको बता दें, फिलहाल में तो नहीं होने वाला, कोई बदलाव की गुंजाइश अभी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि कोई ज़रूरत अभी लग नहीं रही है। हाँ, एक बड़ी अपडेट आ सकती है कोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि BTC BEd का मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके जो भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुँच। कैसे बनता है गुणांक, पूरा प्रोसेस दोस्तों जरा आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं, इसको जरा एक बार आप समझ लेंगे तो बेहतर आपके लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, गुणांक बनने का प्रोसेस क्या है जरा इसको समझिए। देखिए सबसे पहले सुपर टेट, आपका नंबर यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। सुपर टेट दो तरीके से बच्चे देते हैं पेपर, पहले कुछ बच्चे पास करने के लिए देते हैं, जनरल कैटेगरी में 97 नंबर पासिंग मार्क है और आरक्षित वर्ग में 90 नंबर। आरक्षित में मतलब OBC, SC और ST कैटेगरी के छात्र हैं, तो 90 नंबर कम से कम आपको लाना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, जब हमने आपको बोला कि भैया कम से कम आपको जो सेफ जोन है 75 प्लस जाना चाहिए जनरल में, तो ये जाएगा कैसे? अगर जनरल में दोस्तों देखिए 150 नंबर का आपका पेपर होता है टोटल, ठीक है, 150 में से मान लेते आप 120 स्कोर कर रहे हैं, जितना भी स्कोर करेंगे उसका 60% आपको निकालना पड़ता है। तो 120 गुणे 60 बटे 150 करेंगे, 0 से 1 0 ये कट गया, 15 कम 15 15 चौके 60, 12 चौके 48। ठीक है, ये 48 अंक का गुणांक दोस्तों आपका बना सुपर टेट के नंबर से। लेकिन एक बात आपको यहाँ और समझना है कि सुपर टेट में मैक्सिमम आप कितना गुणांक बना सकते हैं। आप 150 में 150 से ज़्यादा स्कोर तो कर नहीं सकते हैं, तो 150 गुणे 60 बटे 150 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, 15 कम 15 पूरा मतलब पड़ गया। मतलब दोस्तों कुल मिला के मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि आप सुपर टेट के नंबर से मैक्सिमम 60 अंक का गुणांक बना सकते हैं, ना उससे ज़्यादा। कम तो भैया बहुत ही हो सकता है एक अंक गुणांक आ जाए या 0 ही आ जाए, आपका खाता ही ना खुले, तो कम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 60 हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है दोस्तों आपके एकेडमिक की। एकेडमिक बच्चों के कुछ बच्चे ऐसे जिनकी बहुत कम है, जिनकी 25 से लेकर 30 तक होती है। जरा समझिए, आपके हाई स्कूल में मान ले तो दोस्तों 10th में 70% है, तो 70% को अगर जब 10 से भाग करें तो कितना गुणांक आएगा 7 अंक का। 12th में दोस्तों मान लेते 80% है, जब इसको 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 अंक का गुणांक। ग्रेजुएशन की बात कर ले तो मान लेते यहाँ 60% आपका है, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 अंक का गुणांक। उसके बाद दोस्तों DLED की बात करें या BEd की बात करें, ठीक है, यहाँ दोस्तों मान लेते 90% आपका स्कोर है,
जब दोस्तों 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 में, 9 आ जाएगा। जोड़िए 7 और 8 कितना हो गया 8, 7 15, 6 21, 9 30। ये 230 अंक का गुणांक आपका एकेडमिक बन गया। और मान लेते दोस्तों आप 120 नंबर स्कोर करके 48 अंक का गुणांक सुपर टेट से लाते हैं तो कितना हो गया जरा देखिए, 48 और 30 जरा जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, 4 3 7, तो दोस्तों ये बनेगा आपका 78, 78 अंक का गुणांक, जो कि दोस्तों काफ़ी है आपके लिए नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो हर एक बात दोस्तों आपको समझनी चाहिए कि भैया कितने अंक का गुणांक लाना है, कैसे लाना है। बाकी हर एक अपडेट देखिए हम आप तक तो लगातार पहुंचाते रहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस वही बात है, तैयारी अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप स्कोर भी बढ़िया वाला करेंगे, लेकिन जब तैयारी ही कमज़ोर होगी तो फिर बताइए क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे जो आपके मन में सवाल था कि गुणांक कैसे बनता है, सेफ जोन क्या है, कितने पदों पर आ सकती है वैकेंसी, जरा इसको समझते हैं। सरकार ने भैया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया 51,112 पद, बीच में अपडेट आई थी 16,200 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, फिर आई 17,000 पदों पर आ सकती है, तो कुल मिला के समझ लीजिए कि 51,000 पद तो भैया हमारे खाली हैं। जब सरकार ने कहा तो भैया देखिए, सरकार कोई भी मामला जब कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर साक्ष्य रखे जाते हैं, लिखित में रखे जाते हैं, हवाबाजी नहीं होती। ठीक है, जब बच्चों की संख्या घटी नहीं है तो सीधी बात है आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी ही आएगी, तो उसको लेकर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, चिंतित मत होइएगा कि भैया वैकेंसी नहीं आएगी, क्या होगा, आएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि सीटेट जुलाई के लिए कब से शुरू होंगे आवेदन, अब बताइए 12 जुलाई तारीख हो गई, क्या जुलाई में फॉर्म भरा जा पाएगा या पेपर हो पाएगा? तो गाइस एक बात तो क्लियर है कि आप सीटेट का पेपर जुलाई में नहीं हो पाएगा, भले पेपर 200 अगस्त में चला जाए लेकिन जुलाई में पेपर करा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 12 तारीख होगी क्योंकि ऑनलाइन आवेदन लेने में ही 15 दिन तो भैया कम से कम खर्च होने हैं, तो कुल मिला के समय लगेगा। ठीक है, छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ, पेपर समय से लिया जा सकता था सीटेट का लेकिन लिया नहीं जा रहा, कल को दोस्तों कोई वैकेंसी आ गई तो बच्चों का बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। शिक्षक भर्ती 2022 का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वही दोस्तों मामला एकेडमिक 40%, और आपको बता दें एकेडमिक में दोस्तों आप मैक्सिमम कितना नंबर स्कोर कर सकते हैं, 40, सुपर टेट में 60, तो टोटल हो गया आपका 100। ये दोस्तों आपकी मेरिट है, उम्मीद करते हैं आज आप समझ गए होंगे कि भैया आखिर मेरिट क्या चीज़ है, कैसे बनती है। ठीक है, पासिंग मार्क यूपी टेट और सुपर टेट में भैया जरा समझ लीजिए, यूपी टेट और सी टेट में जरा समझेंगे तो इसमें पासिंग मार्क जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर, आरक्षित वर्ग 82 नंबर, सुपर टेट के बताए हमने 97 नंबर और 90 नंबर। ठीक है, तो गाइस अब सीटेट जुलाई के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, तैयार रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। और यूपी टेट की दोस्तों बात करें 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया, तो देखिए यूपी टेट का पेपर साल में एक बार होता है, जो भी अपडेट आएगी पीएनपी तरफ से अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस।